का ढेर पड़ा हुआ है, दो तीन दिन से यहाँ पे कूड़े उठाया नहीं गया, और ये प्रोमिनेंट मार्केट है द्वारका की। कूड़ा इसलिए नहीं उठाया गया क्योंकि जो एमसीडी का जो टेंडर था गाड़ी जो कूड़े की गाड़ियाँ उठाने का, वो टेंडर का डेट एक्सपायर हो चुका और नया टेंडर अब तक रिवाइव नहीं किया गया। आज प्राइवेट ट्रक में ये कूड़ा उठाए जा रहे हैं, जो रेगुलर जो कूड़ा उठाने की गाड़ियाँ हैं वो नहीं आ रही हैं दो तीन दिनों से। इसकी वजह से लोगों को बहुत सारी समस्याएँ हो रही हैं, और लोगों की समस्या का समाधान तो फिर भी हो सकता है जैसे इस प्राइवेट ट्रक में, लेकिन जो मटियाला में चुनाव हो रहा है इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हो सकता है खामियाजा भुगतना पड़े, उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं होगा अगर एमसीडी जल्दी इस कूड़े उठाने की प्रक्रिया को रेगुलराइज नहीं करती। अगर दो दो तीन तीन दिन तक ऐसे ही कूड़े के ढेर पड़े रहेंगे तो इसका असर चुनाव पे भी देखने को मिल सकता है, और जिसका सीधा सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ देख रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी द्वारका में सफाई की समस्या को चुनावी मुद्दा बना चुकी है।